बड़ा आजकल फेमस है टॉपिक मार्केट में, जो आपकी कॉमर्स वेबसाइट्स होती है या जो अर्निंग वेबसाइट्स होती हैं, इनके हवाले से भी थोड़ा सा हमने एसईओ को डिस्कस करना है। इनके कीवर्ड कैसे सिलेक्ट होते हैं, इनमें आपको ज्यादा क्या केयर करनी पड़ती है, इसका मार्केट में काम कैसे हो रहा है, थोड़ा सा मैं जो हमने लास्ट डिस्कशन की थी वो ज्यादातर बिजनेस और सर्विसेज वेबसाइट पे ज्यादा हमने डिस्कशन की थी, लेकिन मार्केट में एक और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ई कॉमर्स की, जो गूगल एड की जो वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, उनमें थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है कि उसके कीवर्ड कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, उनका ऑन पेज कहाँ किया जाता है, उनका ऑफ पेज कैसे किया जाता है। वही जो डिस्कशन हमने पहले बिजनेस या सर्विसेज वेबसाइट के लिए की है, वही हमने कुछ ई कॉमर्स पे अर्निंग वेबसाइट के लिए करनी है। अच्छा, इसमें एक बात ये कि आजकल कह लेंगे बहुत ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट बन रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज्यादा ट्रेंड है ई कॉमर्स वेबसाइट का, लोग बहुत ज्यादा अपने ई स्टोर बनाने जा रहे हैं, ऑनलाइन बनते जा रहे हैं, जो लोग पहले ई स्टोर जिनके थे वो एक्टिव नहीं थे, अब उनको लोग एक्टिव कर रहे हैं, उन पे और एक्टिविटी हो रही है, तो काफी काम है मार्केट में, इसलिए इसके एसईओ के ऊपर भी काफी सारी जॉब आती है, काम आता है ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ करवाना है। अच्छा, ई कॉमर्स और नॉर्मल वेबसाइट में जो डिफरेंस है वो आपने गौर से सुनना है। नॉर्मल वेबसाइट में जो होता है कि सर्विसेज फिक्स होती हैं, पेजेस फिक्स होते हैं, ब्लॉग के अलावा नॉर्मल वेबसाइट बिजनेस या सर्विसेज वाले पेज में ब्लॉग के अलावा चेंजिंग नहीं आती। अगर आप ब्लॉग नहीं लिखते होंगे तो वो भी फिर तो वेबसाइट में बिल्कुल कुछ ही नहीं आती। बिजनेस या सर्विस की जो वेबसाइट होती है वो साइज में छोटी होती है, 15-20-30 पेज की होती है, उसमें अगर अपडेट आती भी है तो ब्लॉग में आती है, सर्विसेज और प्रोडक्ट वाली कैटेगरी में कभी चेंज नॉर्मली नहीं आती, बिल्कुल स्टैटिक वेबसाइट्स होती है, सालों साल उस पर कोई अपडेट नहीं आती। जबकि जो ई कॉमर्स या अर्निंग वेबसाइट्स होती है इनमें चेंजिंग डेली चाहिए होती है। ई कॉमर्स का मतलब ये था कि नई आपको नई डेली प्रोडक्ट आ रही है, पुरानी प्रोडक्ट एक्सपायर हो रही है, पुरानी प्रोडक्ट खत्म हो रही है, नई प्रोडक्ट आती जा रही है, नए नए कलर स्कीम और आ रही है, नए नए फीचर और आ रहे हैं, आपको वो चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी। जब आप देखना कि जब आप अपडेट करेंगे कोई नया नई चीज आएगी, नई चीज आने का मतलब था पेज नया बनेगा। जब ई कॉमर्स वेबसाइट समझे एक दफा बन गई, जब दोबारा उसमें कोई नई चीज आएगी तो आपका पेज नया बनेगा, प्रोडक्ट आएगी तो पेज नया बनेगा। जब पेज नया बनेगा इसका मतलब आपको उसका ऑन पेज फिर करना पड़ेगा, आपको हो सकता है उसका ऑफ पेज भी करना पड़े। सेम जो गूगल के साथ लोग अर्न करते हैं, अर्निंग वेबसाइट गूगल के साथ, वो डेली अपडेट होती है, इसका मतलब जो डेली आर्टिकल लगेगा उसका ऑन पेज तो डेली करना पड़ेगा। दोबारा सुने कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो बात हो रही है, जो गूगल एड की वेबसाइट्स होती हैं, गूगल एड और ई कॉमर्स में कोई खास फर्क नहीं है, बिल्कुल इनका अपडेट करने का पैटर्न एक ही होता है। मैंने अगर आप देखें स्लाइड की हेडिंग भी यही है कि एसईओ फॉर ई कॉमर्स और अर्निंग वेबसाइट्स, इन वेबसाइट का मैंने कहा कंटेंट डेली अपडेट होता है, जिनका डेली कंटेंट अपडेट होता है जब भी कोई आर्टिकल लगेगा उसका ऑन पेज बनेगा। अच्छा, अब तो वो वेबसाइट इतनी बड़ी हो जाती है, समटाइम 4,000-5,000 वेबसाइट तो मसला कोई नहीं। अब मैं एक वेबसाइट हम लोकल बना रहे हैं, वो एक पेंट कंपनी की वेबसाइट है, तो 5,000 प्रोडक्ट है, 5,000 प्रोडक्ट पेंट कंपनी की वेबसाइट की। अब अगर कोई ग्रोसरी स्टोर है इसी तरह, वो फैमिली स्टोर है, उसकी तो 10,000 प्लस प्रोडक्ट होती है, एक एक प्रोडक्ट के अंदर बेशुमार ऑप्शन, और फिर ऑप्शन कम ज्यादा होती रहती है, कभी कोई चीज एक्सपायर होगी, कभी कोई आउट ऑफ स्टॉक होगी, कभी आपकी खत्म होगी, नया आ गई, डिफरेंट हो गया, अपडेट बहुत ज्यादा आती है। ये बात अपने ध्यान में रखनी जो मैंने भी आपको बताई। अच्छा, इसमें एक बात आप गौर से सुने कि मार्केट में ऐसे भी मैंने देखा कि जब फर्ज करें मेरे ई कॉमर्स वेबसाइट के पेजेस थे तो वो चीज एक्सपायर होगी, कह लें कि उस प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो गया, आउट ऑफ स्टॉक होगी। तो मेरा आपसे क्वेश्चन कि आप लोग भी इतनी अरसे से ये चीजें सुन रहे हैं, अगर मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसका पेज आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, उस पेज पे वो प्रोडक्ट नहीं रही, तो क्या करना चाहिए? एक ऑप्शन तो ये जो डेवलपर करते हैं वो पेज साथ साथ डिलीट करते रहते हैं, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट में मसला ये आता है कि अगर पेजेस आपके बने हुए और वो प्रोडक्ट आपकी आउट ऑफ स्टॉक होगी या अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट, तो आप उस पेज को डिलीट कर देते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में आप हर पुराना पेज या हर आपका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला पेज डिलीट करते रहेंगे तो आपकी ट्रैफिक ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एसईओ से ट्रैफिक तो तभी बढ़ेगी पेज आपका पुराना होगा। अगर आप पेज को कुछ ऐसे बार डिलीट करते रहेंगे आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से,
तो आपका वो पेज जिसने परफॉर्म करना था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आपने उसको डिलीट कर दिया, तो आपकी पेज की तो बात खत्म हो गई। मार्केट में कुछ लोग जो गलती करते हैं कि हर नया पेज हर वो उस चीज का पेज खत्म करते जाते हैं जो एक्सपायर होती जाती है या जो आउट ऑफ स्टॉक होती जाती है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम उनको डिलीट नहीं करते, उनके ऊपर लिख देते हैं आउट ऑफ स्टॉक, लेकिन उनके दाएं बाएं और हाइपरलिंक लगा देते हैं। लेकिन अगर पेज खत्म करेंगे तो आपकी सारी एसईओ की एफर्ट जीरो होगी। आप बड़ी मुश्किल से उसको टॉप पे लेके आए थे, रैंक किया था, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो आपकी सारी एफर्ट जीरो होगी। इसका मतलब था कि आप ट्रैफिक बढ़ाया करेंगे, पुराने पेज निकलते जाएंगे, नए पेज ऐड होते जाएंगे, पुराने पेज आप डिलीट करते रहेंगे, नए ऐड होते रहेंगे, ट्रैफिक आपकी वही रहेगी जहां पहले थी। अगर आज 3,000 है तो 6 माह बाद भी 3,000 ही होगी, क्योंकि पुराने पेज आप डिलीट करते जा रहे हैं। मार्केट पे लोग ये काम भी करते हैं, कहते हमारी ट्रैफिक नहीं बढ़ रही, हम कहते हैं कि पुराने पेज कहते हम तो डिलीट कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ पुराने पेज आप डिलीट क्यों कर रहे हैं? अब वो पूछते हैं कि पुराने पेज का हम क्या करेंगे, जितने आउट ऑफ स्टॉक हुई उनका क्या किया जाए? तो उनको डिलीट करते हैं आप, उनको आउट ऑफ स्टॉक रखे, उनके साथ को दाएं बाएं लिंक और लगा दें, वो पेज खत्म नहीं होने चाहिए, वरना तो आपकी वेबसाइट का साइज बढ़ेगा ही नहीं। और ई कॉमर्स जो अर्निंग वेबसाइट में, तो वेबसाइट का साइज ही उसकी सक्सेस होता है। इसमें आपकी जब इस टाइप की वेबसाइट होगी, जैसे मैंने ई कॉमर्स की बात की, थोड़ा सा पहले उसको मैं स्ट्रक्चर समझाता हूं। ई कॉमर्स वेबसाइट में स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, होम पेज कैटेगरी सब कैटेगरी प्रोडक्ट, होम पेज कैटेगरी सब कैटेगरी, मैंने कहा आगे प्रोडक्ट आपकी, जिस तरह मैंने अभी पेंट की बात की थी, होम पेज पे यूजर आया, मास्टर पेंट के बाद उनके सारे जो उनके पेंट थे उनकी सबकी डिटेल आ गई, फिर एंड पे जाके एक डब्बा आ गया जिसको आपने बाय करना है। सेम मोबाइल की वेबसाइट है तो आपने कहा मोबाइल कैटेगरी, उसके बाद फिर आप कहते हैं सैमसंग मोबाइल, सैमसंग के बाद फिर आप किस सैमसंग के किसी मॉडल पे आ जाते हैं। जो एंड वाला पेज होता है वो प्रोडक्ट पेज होता है, जिससे यूजर ने एग्जिट करना होता है, जिससे यूजर ने ऑर्डर देना है, जहां से यूजर पेमेंट की तरफ जाता है, वो आखिरी पेज जिसको प्रोडक्ट पेज कहते हैं। कैटेगरी सब कैटेगरी पेज वो होते हैं जहां ज्यादा चीजें डिटेल में पड़ी होती हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर मैंने कहा जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का बना होता है कि जिस तरह अभी फर्ज करें कि मैंने ये स्ट्रक्चर आपके सामने रखा ई कॉमर्स वेबसाइट का, ये फूड का पेज था, फूड की वेबसाइट थी, फूड मेन पेज, उसके बाद आगे फूड डिफरेंट, कैट फूड, फिश फूड, डॉग फूड, उसके बाद फिर डॉग फूड के बाद फिर उसकी सब कैटेगरी, और एंड पे आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है। मैंने बात की कि आजकल जो ज्यादा जॉब आ रही है मार्केट में, बहुत ज्यादा काम इस कैटेगरी का भी आ रहा है, लोग अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट प्रमोट करवा रहे हैं। और आपकी जो अर्निंग वेबसाइट्स होती है उनका फॉर्मेट भी ऐसे ही होता है, कैटेगरी सब कैटेगरी, एंड पे जाके फिर आपकी आपका आर्टिकल पड़ा होता है। अर्निंग वेबसाइट में एंड पे आर्टिकल पड़े होते हैं, लेकिन बिजनेस ई कॉमर्स वेबसाइट में एंड पे आपकी प्रोडक्ट पड़ी होती है, जो कस्टमर ने लेनी है, जो एंड कस्टमर ने बाय करनी है। इसमें टेक्निक ये होती है, जब इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, इसका इसका और इसका, हम नॉर्मली शॉर्ट कीवर्ड रखते हैं और इनका ऑन पेज भी करते हैं और इनका ऑफ पेज भी करते हैं। और जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनका ऑन पेज होता है और इनका ऑफ पेज सिर्फ सोशल वेबसाइट पे होता है। प्रोडक्ट पेज में चेंजिंग बहुत ज्यादा आती है, आप उनका ऑफ पेज नहीं इस तरह से कर सकते, लेकिन आप उसको सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं उसको ऑन पेज के लिए। अगर आपका सोशल मीडिया का सर्कल स्ट्रांग है तो इन प्रोडक्ट पेज का वहां आपका ऑफ पेज हो सकता है, अदर वेबसाइट के साथ उसका ऑफ पेज मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट पेज है वो अपडेट बहुत ज्यादा होती है, नई ज्यादा पोस्टें लगती हैं, हर पोस्ट को उतना आप टाइम नहीं दे पाएंगे,
तो इसमें जो प्रोडक्ट पेज होती है इनका हम ऑन पेज करते हैं, बल्कि मैं आपको लिख के देता हूं कि हम इनका क्या करते हैं। एक तो इनके कीवर्ड लॉन्ग टेल लेते हैं और दूसरा इनका ऑन पेज करते हैं, जैसे नॉर्मल पेज का होता है इसी तरह इसका भी होगा, और तीसरा इसका ऑफ पेज करते हैं हम, और ज्यादातर ऑफ पेज हम करते हैं फेसबुक के साथ, सोशल मीडिया के साथ। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में ना तो आप कैटेगरी चेंज होनी है, ना आपकी सब कैटेगरी चेंज होनी है। प्रोडक्ट चेंज होती रहती है, प्रोडक्ट अपडेट होती रहती है। यही एग्जांपल मैं अगर अर्निंग वेबसाइट में दूं, अर्निंग वेबसाइट में कैटेगरी सब कैटेगरी नहीं चेंज होती, लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट है जो एंड वो अपडेट होती रहती है। जैसे मैं अगर मोबाइल पे काम करता हूं तो सैमसंग कैटेगरी कभी भी चेंज नहीं होगी, सैमसंग ने यही रहना है। तो सैमसंग पे क्लिक करते हैं, आगे आपने डिफरेंट उसकी सब कैटेगरी बनाई है प्राइस के हवाले से, सब कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो एंड मोबाइल आ जाएगा, जहां एंड मोबाइल आएगा वो एंड कैटेगरी आप। इसमें जो मैंने डिस्कस किया इस पर बात कर ले, मैंने थोड़ा सा समझाया कि जब हमारे पे ऐसी वेबसाइट आती है इसकी कैटेगरी और सब कैटेगरी पे हम ऑन पेज भी करते हैं, ऑफ पेज भी करते हैं। ऑन पेज के लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग कीवर्ड लेते हैं और हमें पता होता है कि कैटेगरी सब कैटेगरी कभी चेंज नहीं होनी, यही सेम रहेगी, इसलिए हम उनको स्ट्रॉन्ग कीवर्ड से कर लेते हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट पेज है वो अपडेट होती रहती है, उन पे हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म कीवर्ड रखेंगे और उनको अपडेट करते रहेंगे। बच्चों इस स्लाइड में को बात करना चाहें, आप समझे कि ई कॉमर्स और अर्निंग वेबसाइट में, अब गौर से सुनना अगली बात, फिर मैं दोबारा से इस पे क्वेश्चन लेता हूं। जब ये वेबसाइट हम बनाते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स पे आजकल बेशुमार काम हम खुद भी कर रहे हैं, ये बेसिकली इसके कीवर्ड शॉर्ट होते हैं, इसके कीवर्ड शॉर्ट होते हैं, इसके कीवर्ड लॉन्ग होते हैं, क्योंकि क्योंकि कैटेगरी सब कैटेगरी कभी चेंज नहीं होती, ये परमानेंट है। इनको आप अगर चार माह में रैंक नहीं कर सकेंगे तो 6-8 माह में कर देंगे, जब भी रैंक होगी वो कैटेगरी परमानेंट आपके साथ रहेगी। लेकिन आगे से जो आपका प्रोडक्ट है जो उसका वो तो चेंज होता है, कैटेगरी और सब कैटेगरी पे शॉर्ट कीवर्ड होगा, प्रोडक्ट पे लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा। लॉन्ग टेल का मतलब ये कि हम उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, चूंकि ज्यादा प्रोडक्ट ऐड होती है ऊपर से हम सोशल मीडिया पे उसकी कंपेन करते हैं, उसको ऐड करते हैं, लेकिन बाकी उसका नॉर्मली कम करते हैं, क्योंकि दिन में अगर 15-20 प्रोडक्ट ऐड हो रही है तो 15-20 प्रोडक्ट का ऑफ पेज नहीं कर सकते बाकी, तो सिर्फ सोशल मीडिया वाली ऑफ पेज की टाइप इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन जो कैटेगरी और सब कैटेगरी चूंकि जो फिक्स होती है, परमानेंट होती है, ज्यादा चेंज नहीं होती, ये उधर ही रहती हैं, इनका हम ऑन पेज ऑफ पेज करते हैं
ऑफ पेज की सारी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और कीवर्ड भी शॉर्ट दे के आते हैं। कैटेगरी सब कैटेगरी शॉर्ट कीवर्ड से रैंक होगी और फुल ऑफ पेज किया जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो लॉन्ग कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड पे काम किया जाएगा और उनको सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रखा जाएगा। ये टेक्निक होती है वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने की, इनका एसईओ करने की। ये बच्चों और की बात सुन, इस तरह की वेबसाइट वेबसाइट होती है जो कि साइज बड़ा होता है, इनमें प्रॉब्लम भी ज्यादा आती है, आए दिन इश्यूज बनते हैं, अटैक हो जाता है, समटाइम इन पे एरर आती रहती है क्योंकि वेबसाइट बड़ी हो जाती है, स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है, समटाइम गूगल को पेज नहीं मिलते आपके। आपको इसके लिए वेब मास्टर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वेब मास्टर टूल के अंदर इसकी रिपोर्ट आती रहती है। मैं अभी एक पूरी स्लाइड से आपको गो थ्रू करवाता हूँ। हमने जो कीवर्ड सिलेक्शन की बात की और अभी जो मैंने कुछ आइडिया आपको दिया, इसको माइंड में रखते हुए आपने सुनना है इसको। ये मैं स्लाइड चलाता हूँ, इसको आप रीड कीजिएगा, साथ साथ कोई क्वेश्चन होगा तो बात कीजिए। अब देखिए कि मैंने जैसे बात मैंने उसी के मुताबिक स्लाइड आपके सामने रखा है क्योंकि मैं आपको एक का जिसकी प्रैक्टिकल भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। फर्ज करें कि एक वेबसाइट है जिस पे वर्किंग कर भी रहे हैं, मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ कौन सा। अच्छा आप मुझे बताएं कि इसमें ये क्या है, जो ऊपर बनी चीजें ये क्या है, ये आपकी कैटेगरी ऐसे ही है ना जी। आपकी पहली कैटेगरी क्या, क्या आपकी फर्ज करें मेल है, आपकी बेबीज के हवाले से है, वुमन के हवाले से आपकी कैटेगरी बनी हुई है सारी। इसके बाद अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ, फर्ज करें मैंने इस पे किसी एक ऑप्शन पे क्लिक किया तो वो ऑप्शन क्या होगी, इस तरह मेल के अंदर जा मैं कहता हूं कि मैंने ये क्लिक किया, अब तो क्लिक किया ये क्या खुल गया आगे, फिर सब कैटेगरी, पहले मेन कैटेगरी वुमेन, उसके बाद सब कैटेगरी खुल गई ये वाली। इस पे देखिए सारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, लेडीज प्रोडक्ट पड़ी हुई है। आप मुझे बता दें कि इसके बाद जब कोई और किसी कैटेगरी पे जाते हैं, फर्स्ट करें इस कैटेगरी पे आ जाते हैं बैग पे, अब ये मेन कैटेगरी थी, अब सब कैटेगरी पे आ गए, ये बैग सारे पड़े हुए, ये बेसिकली सारी प्रोडक्ट है। जहां जहां प्राइस लिखी होती है वो प्रोडक्ट होती है आपकी फाइनल, क्योंकि जहां कहता है अगर आपने लेना है तो आप इतने में इसको ले सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट का तो आगे एंड सिर्फ यूजर ने एग्जीक्यूट करना। अब मैंने अगर इसके कीवर्ड सेट करने, एक तो प्रोडक्ट लिस्ट बहुत ज्यादा, अब चेक करना आप बैग ही चेक करते जाना, मैं इसका माउस चलाता जाता हूं जितनी देर आप बैठे ये बैग नहीं खत्म होंगे, ये भी नीचे लोड कर रहे चेक करते जाए। इसका मतलब तो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, हो सकता है कि इस कैटेगरी की एक ही प्रोडक्ट हो, सेल हो गई तो खत्म हो गई। आप इतनी ज्यादा प्रोडक्ट लाइन आप देखें, एक ही प्रोडक्ट नहीं खत्म हो रही अभी तो, आप बाकी इस पे को ये टोटल लाके कुछ 6 से 7 हजार प्रोडक्ट है। हम क्या करते हैं, अब गौर से सुनना, अगर आप क्या करेंगे, हमें ऑन पेज इनका सब पर करना पड़ेगा, लेकिन हम इनको क्या करेंगे, इसका जाएंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालेंगे और इसको सोशल सर्कल में अपने सोशल मीडिया पे इसकी शेयरिंग करेंगे, बस चाहे इसको जो भी बेनिफिट देना, फेसबुक से, लिंक्डइन से, यूट्यूब से, इधर से देंगे, असल में वहां से जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता है। उसके रीजन है कि अगर मैं इसके एक एक पेज का प्रॉपर ऑपरेट करना शुरू करूंगा इस प्रोडक्ट का, क्योंकि प्रोडक्ट को हजारों में आपको तो फिर बजट कितना चाहिए होगा, टीम कितनी रिक्वायर्ड होगी। हमने क्या किया, इन सबको ऑन पेज, लेकिन ये वाली जो कैटेगरी थी, अगर मैं मेन कैटेगरी के वाले से बात करूं, फर्ज करें ये एक मेन कैटेगरी है, ये इसका अपना यूआरएल है, ऊपर यूआरएल देखना क्या खुला, होलसेल हैंडबैग कनाडा, ये इसका मेन, ये इसकी सब कैटेगरी का यूआरएल है। हम सब कैटेगरी पे शॉर्ट कीवर्ड पे ऑन पेज करेंगे, उसका प्रॉपर ऑफ पेज करेंगे, क्योंकि आप मुझे बताना कि इस वेबसाइट के अंदर ये चीज कभी नहीं खत्म होनी,
क्योंकि आपने किसी बैग का मॉडल की तो बात नहीं की, आपने कहा होलसेल हैंड बैग कैमरा जो आपने कीवर्ड रखा, जो भी कीवर्ड था आपका परमानेंट कीवर्ड है, एवरग्रीन कीवर्ड है, ये कभी खत्म नहीं होना है। एवरग्रीन कीवर्ड को हम कैटेगरी और सब कैटेगरी पे लेके आते हैं, और इनका इन ये शॉर्ट कीवर्ड है, इनका प्रॉपर ऑफ पेज करते हैं, इनको रैंक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर ये रैंक होगा तो ये तो हमेशा रहेंगे। वेबसाइट में प्रोडक्ट चेंज होती रहेगी, ये नहीं चेंज होगा। अगर कोई और भी हैंडबैग आएंगे तो उनको भी तो हैंडबैग ही कहेंगे। आप क्योंकि कैटेगरी सब कैटेगरी कम होती हैं, क्लाइंट आपसे डील कर लेता है कि मुझे इनको रैंक कर दे, क्योंकि 15-20 इस तरह की वेबसाइट की 20-25-30 कीवर्ड पे काम मिलता है। आप जब 20-25-30 कीवर्ड पे काम कर रहे थे तो आपका भी एक अच्छा अर्निंग सोर्स बना होता है। लेकिन ये तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका आपने अपनाना है। जब कैटेगरी सब कैटेगरी रैंक होंगी, उनकी अपनी ट्रैफिक बनेगी, प्रोडक्ट की ट्रैफिक अपनी होगी, लेकिन प्रोडक्ट में भी जो पेज एक्सपायर होंगी, प्रोडक्ट उनको हम खत्म नहीं करेंगे, आउट ऑफ स्टॉक देख के पेज वही रहेगा। अगर वो किसी वजह से रैंक हो गया तो डिलीट करने पे वो ट्रैफिक जीरो हो जाएगी। फर्ज करें मेरा कल को अगर ये प्रोडक्ट पेज रैंक कर जाता है और साथ ही एक्सपायर हो जाए, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चली जाए, मैं इस पेज को डिलीट करूंगा तो मेरी तो ट्रैफिक जीरो हो जाएगी। इनको हम डिलीट नहीं करने देते, हम कहते हैं वेबसाइट का साइज बढ़ने दें। असल में ज्यासा फरमा रहे हैं जो बात, ज्यासा जो आप बात कर रहे हैं उसकी रीजन है कि अगर इन वेबसाइट अगर इन यूआरएल का आप प्रॉपर ऑफ पेज शुरू करेंगे तो ये इतने ज्यादा हैं आपसे कवर नहीं हो पाएगा ना। मैं तो कह के चला जाता हूँ कि आप इनका ऑफ पेज भी करें, भाई मेरे जो 5,000 प्रोडक्ट है और 5,000 प्रोडक्ट रुक नहीं रही और पीछे से आती जा रही। तो आप कैसे मैनेज करेंगे उनका ऑफ पेज, क्योंकि एक कीवर्ड को रैंक करने में 4-6 माह लगते हैं। हो सकता है अब अगली जो सुनना गौर से बात और जो फीमेल बात कर रही थी गूगल एड वाली वो भी सुन लें, अगर इनका हम ऑफ पेज करके इनको 6 माह में रैंक करने की कोशिश करेंगे, जब तक हो सकता है वो प्रोडक्ट मार्केट से वैसे खत्म हो जाए। तो लॉन्ग टेल का मतलब था जितनी भी ट्रैफिक आएगी जल्दी रैंक करने की कोशिश करें, चाहे ट्रैफिक कम ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप शॉर्ट कीवर्ड रखेंगे फिर तो आप उसका ऑफ पेज कर ही नहीं पाएंगे। आपको पता मैंने यही कहा था, लॉन्ग टेल कीवर्ड ही बगैर ऑफ पेज के रैंक हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड बगैर ऑफ पेज के रैंक नहीं हो सकता आपका। तो आप अगर इनको 4-6 माह लगा देंगे तब तक प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी, तो रैंक करने का फायदा क्या हुआ। आप लॉन्ग टेल से ट्राई करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो गूगल एडसेंस वाली वेबसाइट भी एक दिखा देता हूँ। बस आपने जो बात की थी मैं आपको एक गूगल एडसेंस वाली वेबसाइट भी दिखा देता हूँ और उसकी स्ट्रेटजी भी आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए ये मोबाइल की वेबसाइट है, इसके ऊपर मोबाइल की कैटेगरी बनी हुई है, जैसे जीएसएम मरीना वेबसाइट है ऐसी एक वेबसाइट है और इसको आप देखें, ये उसी पर्पज के लिए बनाएगी जो पर्पज अभी गूगल एड वाला पर्पज इस वेबसाइट का है। और इसमें देखें कि वर्ड करें कि मैं अगर सैमसंग पे क्लिक करता हूँ, इसका देखता हूँ सैमसंग वाली कैटेगरी पे, अब इसमें देखें सारे सैमसंग के मॉडल पड़े हुए, तो इसका मतलब था ये देखें मोबाइल मेन कैटेगरी, सैमसंग मोबाइल सब कैटेगरी, सब कैटेगरी पे सारे मोबाइल पड़े हुए हैं सैमसंग के। अब इस पेज का जाके आप टाइटल डिस्क्रिप्शन देखिएगा, कीवर्ड देखें क्या है, ये आप कह लें ये कदरे ये 4 वर्ड है लेकिन ये शॉर्ट कीवर्ड ही है, क्योंकि मोबाइल पे कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। मोबाइल पे 3-4 वर्ड वाले कीवर्ड भी नॉर्मली शॉर्ट कीवर्ड होते हैं,
तीन वाला भी शॉर्ट माना जाता है, जबकि मोबाइल पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब इसके मैं लॉन्ग आपको दिखाता हूं, मोबाइल के लॉन्ग कैसे होते हैं। इसको वापस आए, फर्ज करें कि मैं आपको इनमें से कोई आर्टिकल एक दिखाता हूं, आप चूंकि ये मोबाइल का सुनना, ये मोबाइल का मॉडल मार्केट में आ रहा है, फर्ज कर लो कि मुझे पता चला 15 दिन पहले, मैं अगर इसका शॉर्ट ट्यूब रखूंगा तो करना है, मॉडल मार्केट में अभी आया आ चुका है, मैं अगर इसका शॉर्ट ट्यूब रखूंगा तो 3-4 माह लग जाएंगे, जब तक ये मॉडल वैसे खत्म हो जाएगा। मैंने लॉन्ग टर्म रख के इसको ऐड किया ताकि गूगल जल्दी जगह बनाए, जल्दी मेरी ट्रैफिक कम आएगी लेकिन जितनी आएगी वो जल्दी आना शुरू हो जाएगी। अब ये प्रोडक्ट पेज है, इसका आखिरी पेज है जहां वो प्रोडक्ट, जहां यूजर ने आगे निकलना है। इसमें कुछ ने मैंने बात की, आसम सर जो आप क्लियर मैसेज वाली बात करते हैं ना, वो एक और चीज है। असल में अगर आप प्रोडक्ट पे शॉर्ट क्यू पे रखेंगे ना तो उसको रैंक होने में टाइम चाहिए होता है, जब तक आपसे रैंक हो ना तब तक हो सकता है प्रोडक्ट वैसे वैसे ही खत्म हो जाए, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, या उसकी वर्थ कम हो जाए। जैसे मोबाइल है, मोबाइल की एज है 4-6 माह बाद मोबाइल की सर्चेज कम हो जाती है, अगर आप उसको 4 माह बाद रैंक करेंगे तो जब तक आपने रैंक किया तब तक प्रोडक्ट ही खत्म हो गए। लॉन्ग टर्म का मतलब तक आपको ऑफ पेज की एफर्ट कम करनी पड़ी, अगर वो लॉन्ग टेल से भी रैंक कर जाता है तो जितनी भी हो ट्रैफिक तो आएगी ना आपको। उसके रीजन मैंने आपको बताया कि आप ज्यादा पेजेस पे सेम टाइम पे ऑफ पे ही नहीं कर पाएंगे, शादी करें बात आओ। बस आपके क्वेश्चन आया नहीं जो आपने पूछने की बात की, मैं वेट कर रहा हूं कल एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में है। बच्चों इस पे कोई क्वेश्चन नहीं, इस चैप्टर पे जो मैं बात कर रहा हूं अभी। चलो आप इस स्लाइड को मेरे साथ रीड करें, इस स्लाइड को एक दफा देखें। स्लाइड को पढ़ते जाए, जो मैंने बात की उसी के मुताबिक इसको पढ़ते जाए आप, कि इसमें मैंने पूरा ई कॉमर्स को कवर किया हुआ। आप पढ़ते जाए साथ साथ जाके हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, लेकिन अर्निंग वेबसाइट पे भी यही टेक्निक है। वही बात के आपकी मेन, ये देखिए मैंने वही बात की, कैटेगरी सब कैटेगरी शॉर्ट कीवर्ड लगेगा, प्रोडक्ट पेज के ऊपर लॉन्ग टेल कीवर्ड लगेगा। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी वर्किंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, कंपटीटर भी आपको देखने पड़ेंगे। तो एक तो फर्स्ट को रीड कीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ।
अब वो बात कर रहे हैं कि इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, अभी काफी क्वेश्चन आए हुए हैं जी, ऑफिस ऑफ फरमा रहे हैं कि सर व्हाट इफ सैमसंग, अच्छा सैमसंग क्या वर्ड होता है, वाला कंप्लीट सेंटेंस कीवर्ड है। अच्छा वो जो बात आपने की है वो बेसिकली इसका ब्लॉग है, और ब्लॉग के अंदर आप शॉर्ट कीवर्ड रख ही नहीं सकते, क्योंकि ब्लॉग का तो आपने फॉरन रिजल्ट देना होता है। वो बेसिकली उसकी वो आर्टिकल ब्लॉगर टाइप आर्टिकल, तो उसके कीवर्ड ऐसे ही होते हैं, उसके कीवर्ड शॉर्ट होते नहीं, वो किसी प्रोडक्ट पे नहीं होते, वो जनरल कीवर्ड होते हैं, जनरल डिस्कशन होती है उस लेक्चर की। शहजाद साहब रो रहे हैं कि स्लाइड नहीं मिलती। शहजाद साहब ग्रुप हमारे पास है, अगर कहीं को रह जाती है बात तो आप ग्रुप में बाद में मैसेज भी कर दिया करें, उसमें क्लासेस ज्यादा है, बाद दफा स्किप हो जाते हैं कुछ चीजें, तो रिमाइंडर देने में कोई मसला नहीं। आप 20-25 हो गए क्लास में तो रिमाइंडर देते रहा करें, रिमाइंडर का बेहतरीन टाइम होता है कि रात को 8-9 बजे 10 बजे रिमाइंडर दे दिया करें, बिल्कुल शेयर हो जाएगी वो स्लाइड। अगर देनी ना हो तो अपने क्लास में दिखाने का फायदा कोई नहीं, लेकिन वो स्किप हो जाती है बगैर किसी वजह। आप रात को 8-9 बजे रिमाइंडर दिया करें, चीज मिल जाए करेगी आप। अच्छा उसके बाद आ जाएंगे कि हाफिज साहब आप कह रहे थे क्या वो कीवर्ड, सर बिल्कुल वो कीवर्ड है, क्योंकि वो ब्लॉग टाइप है, ब्लॉग के कीवर्ड ऐसे ही होते हैं 5-6। आपको याद है मैंने आपको बताया भी था कि ब्लॉग के जो कीवर्ड की लेंथ होती है तो वो 5-6-7 वर्ड तक ही जाती है। जैसा फिर माने अगर 5000 प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट का सेपरेट कीवर्ड एसईओ से रैंक करना होगा, ऐसे नहीं होता जैसा उसमें जे के प्रोडक्ट को रैंक नहीं करना होता, प्रोडक्ट हमने कैटेगरी को रैंक करना होता ज्यादा, प्रोडक्ट चेंज होती रहती है, प्रोडक्ट में अपडेट आती रहती है, तो हम प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करते एसईओ में, फिर कैटेगरी पे फोकस करते हैं, कैटेगरी को रैंक करते हैं। जैसे मैंने भी आपको वेबसाइट की एग्जांपल दी है कि वो फीमेल के वो हैंडबैग ऑनलाइन द कनाडा, वो कैटेगरी का कीवर्ड है, बैग के जो वर्ड है वो फर्ज करें बैग का एक नंबर है स्पेशल बैग का, और वैसे भी जो बैग के अपने बैग का अपना कीवर्ड बड़ा मुश्किल बनता है, क्योंकि बैग का स्पेशल एक ब्रांड होता है, चाहे कोई नेम होता है, वो बात ऑफ कस्टमर जानता भी नहीं होता उसको, लेकिन वो हैंडबैग को तो कस्टमर जानता है, हैंडबैग ऑनलाइन, वुमेन ऑनलाइन हैंडबैग, इस तरह के कीवर्ड। तो जो प्रोडक्ट के कीवर्ड होते हैं वो उस प्रोडक्ट का अपना ही कोई नेम होता है, जो भी जिस नाम से भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, तो आपने प्रोडक्ट को नॉर्मली रैंक नहीं करना होता, कैटेगरी को रैंक करना होता है। प्रोडक्ट जो ज्यादा होती है 5000 प्रोडक्ट होंगी तो उसमें जब कुछ ऑटोमेटिकली रैंक हो जाती है, जब आप उनका लॉन्ग टेल कीवर्ड रखते हैं ना प्रोडक्ट का, तो कुछ 20-30% बैक ऑफ पेज के रैंक हो जाएंगी, और कुछ सोशल मीडिया पे फॉरन ट्रैफिक ले लेंगी, और कुछ आपका जो कैटेगरी का एसईओ चल रहा होता है उसका इम्पैक्ट भी चला जाता है। तो आप समझे कि 30-40% तक वो आपकी मेन कैटेगरी के एसईओ की वजह से, वो आपके ऑन पेज की वजह से, वो आपके लॉन्ग टेल की वजह से, वो आपके फ्रेश प्रोडक्ट होने की वजह से खुद ही रैंक हो जाती है बगैर ऑफ पेज की। अच्छा दूसरा एक और अक्सर बच्चे बात कर रहे थे सर कि हमें वो लैब रह गई, लैब नहीं करवाई एसईओ में। देखिए एसईओ कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जैसे कुछ लोग सिस्को माइक्रोसॉफ्ट के स्टूडेंट क्लास में बैठे होते हैं, वहां प्रॉपर हार्डवेयर होते हैं लैब के। हमारा जो सब्जेक्ट है जो बेसिकली मार्केटिंग का सब्जेक्ट है, मार्केट में थ्योरी भी होती है और लैब इसकी सॉफ्टवेयर बेस है सारी। अगर मैं डोमेन सर्च करता हूँ किसी वेबसाइट में जाके तो इसकी वो लैब का पार्ट है, अगर मैं वर्डप्रेस में जाके कोई आर्टिकल लगाता हूँ तो वो लैब का पार्ट है, अगर मैं कोई टाइटल डिस्क्रिप्शन लगाई मैंने तो वो लैब का पार्ट है, हमने हेडिंग टैग लगाई वो लैब का पार्ट है। इसकी कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं है जिसको हम खोल के बैठ के इसकी लैब करेंगे,
इसलिए इसकी यही लैब होती है छोटी छोटी, इसकी लैब सारी है ही वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के अंदर है। सिस्को माइक्रोसॉफ्ट हो तो वहां प्रॉपर हार्डवेयर होते हैं जिनके अंदर लैब होती है। स्टूडेंट को लगता है कब लैब हुई है, इसकी लैब है ही ऐसे, क्योंकि आधा तो आप मार्केट के लिए तैयार हो रहे हैं, आप अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि आपने कस्टमर में पब्लिक से बात कैसे करनी, आधा आप इन चीजों को सॉफ्टवेयर या वेबसाइट के थ्रू परफॉर्म करना सीख रहे हैं, वो हम साथ कर रहे हैं। अच्छा वेबसाइट है, आपको कंपटीशन भी बड़ा फेस करना पड़ेगा, आप अपने कॉम्पिटिटर के जाके बैकलिंक चेक कर सकते हैं, उनकी कह लें कि प्रोडक्ट कैटेगरी क्या चेक कर सकते हैं, उनकी सब कैटेगरी चेक कर सकते हैं, टॉप रेटेड कैटेगरी चेक कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे सब कुछ लगा होता है। आपको ज्यादा हमने एक सॉफ्टवेयर सैमरेस चलाया था जिसके थ्रू जाके हमने कंपटीटर की भी सारी चीजें एनालिसिस की थी। आपको याद होगा कि जब मैंने हल्का सा वेबसाइट ऑडिट की आपसे बात की थी, मैंने तब भी आपको बताया था कि आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू जाके अपने कंपटीटर के बैकलिंक भी, उसका ऑन पेज भी, उसके कीवर्ड भी, सब कुछ देख सकते हैं। क्या ये सबको लैब याद है कि हम अपने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड कैसे देख सकते हैं, उसके बैकलिंक कैसे देख सकते हैं? और चूंकि हर टूल नहीं दिखाएगा आपको, गूगल वेब मास्टर टूल और एनालिटिक तो आपको सिर्फ अपनी चीजें दिखाएंगे, आपको कॉम्पिटिटर के लिए थर्ड पार्टी टूल पे जाना पड़ेगा जो उसकी एक एक चीज आपको दिखा देगा, उसके बैकलिंक कहां से आ रहे हैं, ऑन पेज कितना, ऑफ पेज कितना, वेबसाइट की एज कितनी, उसके कीवर्ड कौन से हैं। तो क्या आपको सॉफ्टवेयर मैंने कहा याद है जिससे चीजें देख सकते हैं? जी सर बिल्कुल, मैंने सैमरेस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये आपको एक रिपोर्ट बना के दिखाई भी थी। बाकी जब क्लास एंड वाली हम ऑन पेज ऑफ पेज कर लेंगे तो मैं आपको वो सॉफ्टवेयर दोबारा चला के दिखाऊंगा जिसमें हम रिपोर्टिंग करना सीखेंगे सैमरेस के थ्रू, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर का सब कुछ पता चल रहा होता है कि उसके बैकलिंक कहां से आ रहे हैं। फिर इन वेबसाइट के एरर बहुत ज्यादा आते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के मैंने कहा एरर बहुत ज्यादा आते हैं, उसकी रीजन ये है इन वेबसाइट का साइज बड़ा होता है और बड़ी वेबसाइट में कोई ना कोई इश्यूज, कुछ चीजें अपडेट हो रही हैं, कुछ चीजें आपकी जा रही हैं। बल्कि आपको एक बात वेबसाइट का दिखाई देता हूं, अभी हम वेब मास्टर टूल हमने कर रहे हैं तो, लेकिन मैं खोल के वेब मास्टर टूल आपको दिखा देता हूं। ये देखें कि मैं आपको इसी का दिखाता हूं, ये सॉफ्टवेयर भी हमने करना है, बस जैसे थोड़ा सा जो रिजल्ट दे देखें। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको बार बार ये एरर दिखाएगा, कितने पेज गूगल के पास इंडेक्स है पेज चेक कीजिएगा, कितने पेज वैलिड है गूगल ने कहा, कितने गूगल ने पेज एक्सक्लूड किए, एरर अभी चार अभी आ रही है जो, तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी क्लास से पहले मैं इसकी एरर चेक कर रहा था, इसकी एरर हमने को ठीक भी की है, इसकी एरर तो बहुत ज्यादा थी, बल्कि गूगल की ईमेल आई हुई थी मुझे इस वेबसाइट की एरर है, इनको जाके चेक करें आप, तो एरर मैंने थोड़ी देर पहले ये ठीक की है, अभी भी चार एरर आ रही हैं और ये एरर डेली आती रहेंगी, क्योंकि रीजन है कि भाई मेरे पेज कितने हैं और आपके इतने पेज गूगल ने वैलिड माने हुए, इतने उसने एक्सक्लूड किए हुए, तो आपके अगर टोटल मिला के को 8-9 हज़ार पेजेस हैं तो उसमें मसले मसाइल आते रहने, कोई पेज डिलीट हो गया, कोई आप कोई चेंजिंग कर रहे थे पेज डिलीट हो गया, कोई यूआरएल मॉडिफाई हो गया, कोई अक्सर इतनी बड़ी वेबसाइट का मसला बनता होस्टिंग स्लो हो तो गूगल को आपके कुछ पेजेस मिलते ही नहीं है, गूगल कहता आपके पेज ही नहीं है, हालांकि पेज होते वेबसाइट के अंदर ही है, क्योंकि वेबसाइट में ये मसले मसाइल नहीं खत्म होते। इसीलिए आप गौर से सुनना, बड़ी वेबसाइट का आपकी जात के लिए बेनिफिट कि अगर आपको इसका एसईओ मिल जाता है, इसकी मेंटेनेंस हम अलग अलग चार्ज करते हैं, क्योंकि 8-10 हज़ार पेज होते हैं, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है, इनके ये मसले नहीं खत्म होते। मेंटेनेंस में वेबसाइट का बैकअप करना, कोई प्राइस चेंज करनी, कोई पुरानी प्राइस खत्म करना, प्रोडक्ट को आउट ऑफ करना, जिसकी मेंटेनेंस होती है,
जीएसटी के अलावा आपको पे किया जाता है। अमेज़न इतनी बड़ी वेबसाइट है, उसके सब पेज शो होते हैं, तो ज़ाहिर है उसके पेज शो, वो कैसे मैनेज करते होंगे? बड़ी बड़ी बात की मान साहब, आपने अमेज़न की, अमेज़न का स्टाफ कितना है? अमेज़न का स्टाफ कितना, कभी आपने न्यूज़ पढ़ी है आपने? जितनी बड़ी कंपनी होती है उतने बड़ा स्टाफ मेंबर होते हैं, मैनेज करना क्या मसला होता है? मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपको काम मिलेगा, हो सकता है आप अकेले मैनेज करने वाले हों, तो तब मसला होगा। देखिए फिर तो इश्यू कोई नहीं, फिर हर बंदा अपना अपना टास्क कर रहा होता है। तो अमेज़न के पास तो लाखों लोग जॉब करते हैं जो इन चीजों को मैनेज करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैनेज नहीं होती है, आपको स्टाफ चाहिए। हमारा फरमा रहे हैं पता नहीं कितने 8-7 लाख कह रहे हैं, तो आपको उतनी टीम चाहिए। मुझे बताना कि अब एक वेबसाइट है, असल में मेंटेनेंस क्यों चाहिए होती है? मेंटेनेंस क्यों चाहिए होती है? जिस वेबसाइट पे डेली का आप मुझे बता दें कि एक आपका शादी हाल है, शादी हाल में एक फंक्शन में कितने लोग आते हैं? तो 300, 400, 500 साइड पे डेली का 5-10 हजार का बंदा आता है, तो उसको मेंटेनेंस चाहिए। लोग दाएं बाएं जाते हैं, मूव करते हैं, उस पे अटैक अटेम्प्ट होते हैं, आपका स्टाफ तंग कर सकता है, आपके जो डेवलपर है उनसे गलतियां हो जाती हैं, उसकी वजह से अटैक हो जाते हैं, गूगल की अपडेट्स आती हैं, बड़ी वेबसाइट की अपडेट आती है, आपको हर चीज फेस करनी पड़ती है। जिस सब कुछ इशू के बावजूद भी ऑनलाइन काम आज कल मार्केट में मैंने कहा छाया हुआ है, बल्कि एक बड़ी कंपनी है, लाहौर का बहुत बड़ा ब्रांड है, नाम लीन ले रहा चुके आप लोग फिर बात निकल जाती है। तो वो बेसिकली मुझे आज बात चल रही थी ऐसी, वो डिस्कस कर रहे थे मेरे से कि कोरोना आने के बाद उनके जो स्टोर हैं वो एम्पोरियम में भी हैं, वो फैक्ट्री मॉल के अंदर भी हैं, वो और 2-4 जगह लाहौर के बड़ी लोकेशन पे उनके मॉल हैं जिनका रेंट कोई मिलियन में है पर मंथ। तो वो बता रहे थे कि अब जो डेली सेल रह गई वो 10-12-15-20-25 हजार से ज्यादा डेली सेल नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से कस्टमर नहीं जा रहा, इतने लोग डरे हुए हैं, सेल नहीं हो रही, जो जाता भी है तो बजट लोगों का वो नहीं रहा, बाइंग पावर वो नहीं रही जो आज से 6 माह पहले थी। तो बता रहा था कि ऑनलाइन हमारी लाहौर के सारे बड़े जो जगह पे स्टोर है उन सबसे मिला के ऑनलाइन सेल ज्यादा हमारी, क्योंकि ऑनलाइन में आना पड़ता है ना जाना पड़ता है, और फिर लाहौर से बाहर पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उसमें आ जाती है। कोई यूके बैठा है, हो सकता है उसके हालात बेहतर हो, वो ऑर्डर देना चाहता है, वो भी ऑनलाइन आ जाता है, लेकिन एम्पोरियम में तो वही जाएगा जो उसके 3-4-5 किलोमीटर के करीब रहता होगा। इससे अंदाजा लगा लें कि ऑनलाइन में मुस्लिम साहिल होने के बावजूद भी सेल बहुत है। बच्चों करें बात, जहां कोई
जैसा भी तो अमेजोन पे खैर हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो आपने बात की इसका मतलब वही जो लोग जो अमेजोन के साथ किसी न किसी पर्पज के लिए अटैच है, जैसे फेसबुक के साथ हम लोग अटैच होते हैं, इसी तरह अमेजोन की टर्म होगी ये, मुझे इसका अंदाजा नहीं, वैसे डायरेक्ट मैंने अमेजोन पे काम नहीं किया, लेकिन ये ऐसा ही कुछ होगा। ये जिस तरह होता है ना कि एफिडेट प्रोग्राम्स होते हैं, इसी तरह इन्होंने अपने को टर्म निकाली है अमेज़न एसोसिएट, इट जस्ट लाइक एफिडेट प्रोग्राम ही इनकी को टर्म है। और क्या बात करना चाहिए, फिर इनकी वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करना, फिर वो बता रहा है कि कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कस्टमर रिव्यू और दूसरा उसके बाद स्निफर कॉन्फ़िगर करना, सोशल मीडिया इंटीग्रेट, इन पे मेरा ख्याल है कि हमारी इस पे थोड़ी सी बात रहती है अभी, कस्टमर रिव्यू पे बात हमने उसमें मेरा ख्याल है गूगल बिजनेस में की थी, इंटरनल लिंक में बात हो चुकी है, सोशल मीडिया क्या आप सोशल मीडिया पे जाके चीजों को शेयर करें, उसको कीवर्ड कहाँ कहाँ लगते हैं, टाइटल, हेडर, सब हेडर, पैराग्राफ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इमेज फाइल, आल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, ये बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। हाफिजा फरमाने पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, बल्कि मैंने गूगल ग्राफ से आपको दिखा दिया था, पाकिस्तान कह लें कि लोग एफर्ट कर रहे हैं, अच्छा लगे हुए हैं लोग एफर्ट करने, लेकिन 2-2.5 साल से ज्यादा हिस्ट्री नहीं है लोगों की, क्योंकि तो ज्यादा स्कोप बना, असल में डिजिटल का स्कोप बना जब बिजनेस मैनेजर आया, पहले जो लोग तो ज्यादा फ्रीलांसर थे, बाहर के लिए काम करते थे, या कोई गूगल एडसेंस पे काम कर रहे थे, असल इसका स्कोप बना जब बिजनेस मैन को समझ आई कि उसका बिजनेस इसके बगैर नहीं सेल हो सकता, वो टोटल 2 साल है, वो 17, 18, 19 से 2-3 साल की हिस्ट्री, इससे पहले लोग गूगल एडसेंस वाले थे, इससे पहले लोग एफिलिएट मार्केटिंग वाले थे, इससे पहले डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज वाले लोग होते थे, वो लोग काफी इन थे, वो पुराने इस फील्ड में, लेकिन एक्चुअल जो मैंने कहा जो 2 साल की हिस्ट्री, मेरा तो अभी कहता कि पाकिस्तान में जो चीजें अभी शुरू हुई है, मतलब जो काम का ट्रेंड हमारे पास अब है वो पहले आज से 4 साल पहले नहीं था, क्योंकि 4 साल पहले लोगों को बताना पड़ता था, कहता यार मेरी मार्केटिंग तो वैसे ही हो रही है, मेरा काम तो वैसे ही चलता जा रहा है, मेरे तो कस्टमर वैसे ही आ जाते हैं, इस कोरोना ने वो सारे लिंक तोड़ दिए, तो हर कंपनी को नए नए कस्टमर चाहिए, अब जहां तक के बल्कि एक लाहौर की एक बंदे से मेरी बात चल रही थी, वो कह रहे हैं कि हमने एक स्टोर बनाना है, ई स्टोर बनाना है, ग्रोसरी स्टोर बनाना है, और हम किसी बड़े फिजिकल स्टोर से रابطہ करेंगे और हम उनकी चीजें अपने स्टोर पर रख के ऑनलाइन सेल करेंगे, जब हमारे पास कोई ऑर्डर आएगा तो वहां से लेके हम डिलीवर करेंगे, लोग इस लेवल तक भी आ गए, सब कुछ वर्चुअल होता जा रहा है कि अपने पास कुछ भी नहीं है, फर्ज करें मेरी वेबसाइट है, मैं कहता हूँ मेरे पास जैसे हम मार्ट है कराची में, इस तरह की वेबसाइट है लोग लाहौर में भी बना रहे हैं, वो कहते हैं हम घर में चीजें दिया करेंगे, लेकिन फिजिकली वो अपना स्टोर नहीं बना रहे, घर ऑर्डर आया करेगा, किसी स्टोर से डील करेंगे, उससे अच्छा डिस्काउंट लेंगे और चीजें उसको वहां से लेके डिलीवर कर दिया करेंगे, तो स्टोर को ऑर्डर दे दिया करेंगे, भाई ये मेरा कस्टमर है, मेरे बिहाफ पे इसको इतनी चीजें डिलीवर कर दो, मैं आपको पे कर दूंगा, तो ये चीजें आज से कोई 3 साल पहले नहीं थी पाकिस्तान में, स्ट्रक्चर डिस्कस हो गया, फिर उसने स्ट्रक्चर में बर्ड डाल के दिखा दिए और कैटेगरी सब होम पेज कैटेगरी सब कैटेगरी प्रोडक्ट और इसका यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा बनता है जी, थोड़ा सा देख लें आप,
ये जिस तरह अभी आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं जो आप बात कर रही थी गूगल एडसेंस की वेबसाइट, आप इसको देख सकते हैं एज एग्जांपल। ये देखिए कि अभी हम बैठे हैं मेन पे और मैंने क्लिक किया ब्रांड पे ऊपर, इस पे देखें कि सारे मोबाइल पड़े हुए हैं, हर तरह का मोबाइल है और यूरल क्या है मोबाइल। अब मैं चला गया सैमसंग, ये आपका कैटेगरी, ये आपकी सब कैटेगरी। अब वो आ जाएगा मोबाइल पे किसी खास में, देखें ये आपकी एंड पे प्रोडक्ट पड़ी है। उसके बाद इसमें स्कीमा मार्कअप लगाया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे अब एक आज क्लास में आ जाएगा स्कीमा मार्कअप, वो फिर कल क्लास में आ जाएगा जी। उसका बेनिफिट ये दिखाया जा रहा है कि स्कीमा मार्कअप वैसे आपकी प्राइस बार लिखी हुई है, तो इस पे कल बात करेंगे इंशाल्लाह स्कीमा मार्कअप। यूरो से पेन नंबर नहीं पता चलते, वो कहते हैं जो वेबसाइट जो कोई बड़ी होती है तो इनमें क्रॉल का इश्यू होता है। जो क्रॉल का मतलब था कि आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी यानी कि आपके बाद दफा प्रोडक्ट पेज बड़े अंदर जाके पड़े होते हैं, क्योंकि वो पहले मेन कैटेगरी फिर सब कैटेगरी फिर आपके प्रोडक्ट का पेज, तो कहते हैं कि आपके सम टाइम अंदर तक क्रॉलिंग नहीं होती, गूगल आपके एंड वाले पेज तक नहीं पहुंचता। तो वो कहता है कि आप अंदर वाले पेज तक यूजर लेके जाने के लिए कोई टिप्स बता रहा है कि आप क्या करें कि आप अपने पेज को अपडेट रखें, डुप्लीकेट कंटेंट ना लगाएं, बैकलिंक क्रिएट करें और स्ट्रक्चर प्रॉपर रखें कि मेन कैटेगरी सब कैटेगरी फिर यूआरएल और अपना साइट मैप अपडेट रखें ताकि साइट मैप के थ्रू गूगल को पता चलता जाए कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। तो ये बेसिक ये वो बात कर रहा है कि जब आपकी आपके पास स्टोर में ज्यादा प्रोडक्ट होती है तो कुछ प्रोडक्ट तक कस्टमर नहीं पहुंच पाता, जैसे आप मेट्रो में जाते हैं तो मेट्रो में प्रोडक्ट ज्यादा लंबी लाइन है प्रोडक्ट की, तो कुछ चीजें आप कभी देखते भी नहीं है मेट्रो में फिर आ जाते हैं, लेकिन अगर आपकी थोड़ी दुकान है सब कुछ आपके सामने ही होता है। इसलिए बड़ी वेबसाइट के अंदर कहता उन अंदर वाले पेजेस को आपको बाहर डिस्प्ले करवाएं, उनको अपडेट रखें, उनके बैकलिंक करवाएं, साइट मैप में ऐड करें ताकि वो नजर आए और उनका कंटेंट यूनिक रखें ताकि वो सर्च में आना शुरू। फिर उनके एरर बता रहा कि गूगल जब क्रॉल करता तो उनके एरर क्या आते हैं, जो वेब मास्टर टूल में अभी हम एरर देख भी रहे थे, 3xx का मतलब एरर है, 4xx एरर है, ये एरर की टाइप्स हैं और एरर को ऐसी आ जाए ये वेब मास्टर टूल में शो होती है एरर, तो वहां से फिर आप मुझे नंबर देख के अंदाजा कर लेते हैं कि एरर किस तरह की है, क्या मसला क्या बना। ये इंपॉर्टेंट है जी, आप एक दफा इसको देखें, ई कॉमर्स वेबसाइट की इस पे लोग बात करते भी अक्सर, ये पढ़े इसको क्या कहते हैं।
अच्छी को समझ आई है उस पर बात करना चाहिए। इसमें यही कह रहे हैं कि जो बड़ी साइट्स होती हैं उसके यूआरएल तक आप नहीं पहुंच सकते, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए टैगिंग यूज होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक टैग यूज होता है जो उस यूआरएल के ऊपर ले जाए हमें। नहीं, इसको ऐसे समझिए, मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, ये क्या चीज है। फर्ज करें कि आपका ये पेज है, ये प्रोडक्ट आपकी, इस पे आपने मोबाइल रखे हुए, तो इस तरफ आने के आप इस यूआरएल से भी आ सकते हैं, इधर से भी आप इस पेज पे आ सकते हैं, या आप डबल की इस तरह और सिंपल कर लें, आपके पास एक शॉपिंग की वेबसाइट है, उसमें एक आपने सूट अपलोड किया, फीमेल प्रोडक्ट थी आपकी, आपने एक सूट अपलोड किया, वो आपका उस कैटेगरी में भी ऐड हो गया और वो आपकी लेटेस्ट कैटेगरी में भी नजर आ रहा है, वो आपका न्यू अराइवल की कैटेगरी में भी फर्ज करें नजर आ रहा है। अब चीज वही आपने दो तीन जगह पे रखी हुई है, लेकिन अब दो तीन जगह पर रखेंगे तो दो तीन यूआरएल बन जाएंगे, अब गूगल उसमें से देखेगा इस प्रोडक्ट को मैं किस यूआरएल से शो करूं, क्योंकि एक ही चीज आपकी तीन चार यूआरएल में पड़ी हुई है। मोबाइल आपने अपलोड किया, एक उसका नेम, एक था आपका सैमसंग मोबाइल, एक आपने उसको शो करवाया लेटेस्ट कैटेगरी के मोबाइल में, एक आपने उसको शो करवाया कि ये आपका बेस्ट स्मार्टफोन है। अब वो एक ही फोन, एक ही आर्टिकल तीन जगह पे पड़ा हुआ है आपकी वेबसाइट के अंदर ही। अब गूगल भी इस बात पे कंफ्यूज हो रहा है कि इस मोबाइल को मैंने इस वेबसाइट के किस पेज को दिखाना है। तो क्रॉनिकल टैग का मतलब जो होता है, गूगल को आप रिकमेंड करते हैं कि भाई ये यूआरएल आप दिखा सकते हैं, बाकी को आप इग्नोर कर दें। और ये मसला आता ही बड़ी वेबसाइट में, जहां 10-15 पेज होंगे तो वहां इशू आएगा ही नहीं। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि अगर आपके पास एक प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट में मल्टीपल पाथ पे पड़ी हुई है, तो आप गूगल को बता दो कि इसमें से मेरा कौन सा पाथ आपने कंसीडर करना है गूगल में शो करने के लिए। सलमान साहब ठीक कह रहे हैं आप भी? और robot.txt अभी बात करते हैं, इसकी मैं डेफिनेशन आपको देता हूं, ये लैब में आएगी। और इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे जब सर्च इंजन आता है तो मास्टर कैटेगरी नहीं कहते इसको, आप गूगल को बता देते हैं कि इस प्रोडक्ट के लिए ये कैटेगरी, ये वाला पेज सबसे बेस्ट है। bot.txt ये होती है, ये फाइल होती है, नोट पैड की फाइल है, आपकी वेबसाइट में ऐड होती है, डिफॉल्ट ही ऐड होती है। इस फाइल का काम ये होता है कि ये फाइल सर्च इंजन और वेबसाइट के दरमियान होती है, यानी कि अगर आप गूगल आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो इस फाइल को पहले देखेगा, क्या मुझे परमिशन है वेबसाइट में जाने की। जैसे हमने इंडेक्स नो इंडेक्स पढ़ा था, वो पर पेज था, ये पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकती है। आप गूगल को मना कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट के इस पेज में नहीं आना, इस फोल्डर में नहीं आना, इस कैटेगरी में भी नहीं आना, जब मेरी वेबसाइट में पूरी में नहीं आना। तो robot.txt नॉर्मली सर्च इंजन को मैनेज करने के लिए हम कॉन्फ़िगर करते हैं, इसके थ्रू हम सर्च इंजन को कंट्रोल करते हैं।
जी बच्चों, कुछ ई कॉमर्स के बारे से डिस्कशन थी, रिबॉर्ड्स पे बात होगी, इसकी लैब बाकी है अभी। इसकी robot.txt की प्रॉपर एक लैब है जिसमें ये फाइल कॉन्फ़िगर करना आपने सीखना होता है। तो बात कर लें बच्चों robot.txt की, चला कल लैब करेंगे। इसमें आप थोड़ा सा लेट क्लास शुरू हुई थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने 20-25 मिनट लगा दिए ऊपर। कल इंशाल्लाह 8 पे शुरू करेंगे और 8 से 9:30 का हमारा टाइम है। और ये सारी जो robot.txt वाली लैब, स्कीमा मास्टर वाली लैब, ये कल का लेक्चर होगा हमारा और इम्पोर्टेंट होगा। इसको टाइम पे लॉग इन कीजिएगा। और दूसरा ये कि जो कॉर्बेट में आपके इश्यूज हैं फीस वगैरह के, वो क्लियर करें ताकि बार बार वो फिर वेरिफिकेशन करते हैं, उससे भी क्लास लेट होती है। तो टाइम पे आप उनसे पूछ, जो भी आपने करना है वो डिस्कस कर लें ताकि वो आपको पूछे ना, और क्लास टाइम पे हमारी शुरू हो जाए। कल मुलाकात करेंगे 8 बजे। कोई चीज़ चाहिए हो, कोई स्लाइड में नहीं दे सका, तो वो ग्रुप में मैसेज करें, व्हाट्सएप में मैं शेयर कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।